टेलीविजन अभिनेता निशान सिंह मलखानी, जिन्हें हम गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अक्षत जिंदल के रूप में भी जानते हैं, वो इस समय बिग बॉस 14 के घर में तूफान मचा रहे हैं। निशांत इस घर के पहले कैप्टन बने थे, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उन्हें कैप्टन पद से निष्कासित कर दिया गया। वही घर में जाने से पहले निशांत ने एक बातचीत के दौरान बॉलीवुड के बारे में कुछ बातें बताई हैं, जिनका सामना उन्होंने किया था। निशांत ने बताया कि नेपोटिज्म केवल बॉलीवुड में ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि पूरे मनोरंजन जगत में कथित रूप से प्रचलित है। अभिनेता ने उसी के कारण अंतिम क्षण में बदले जाने की बात कही है। उन्होंने ये भी साझा किया कि वो उस समय पूरे विषय के बारे में कैसा महसूस करते हैं। निशांत सिंह मलखानी ने मीडिया से बात करते हुए भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म के कारण उन्हें कितने बार आखिरी टाइम में रोल से निकाला गया है, इस बारे में भी बताया है। निशांत कहते हैं, हाँ ऐसा कई बार हुआ है, इतना आश्चर्य की कोई भी बात नहीं है। जब मैंने अपना स्कूल खत्म किया तब मैंने असली होना सीखा और मैंने उस चीज का एहसास किया और फिर मैंने अपने आप को हर चीज से प्रभावित ना हो ऐसा बनाना शुरू किया। ऐसा कई बार हुआ जब मैंने काफी अच्छे बैनर तले फिल्मों के लिए ऑडिशन दिए, उनका रिस्पॉन्स भी काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन अंतिम समय में मुझे बताया जाता है कि मैं इस फिल्म से बाहर निकाल दिया गया हूँ, क्योंकि वो एक संगीतकार के बेटे या बेटी को लॉन्च करेंगे, क्योंकि वो संगीतकार भी इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। कई बार तो मुझे ये बताया गया कि प्रोड्यूसर आपको लेना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंसर चाहता है कि उनके बेटे को फिल्म में कास्ट किया जाए। उन्होंने सोचा कि क्यों प्रोडक्शन हाउस भी ऑडिशन देते हैं, जब अंत में वो किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसका इंडस्ट्री में किसी से नाता हो। उन्होंने आखिर में इस बात को खत्म करते हुए ये कहा, अंत में ये एक चक्र की तरह महसूस हुआ। मुझे लगता है कि जब वे अपने किसी जानकार को रोल देना चाहते हैं तो वो ये ऑडिशन क्यों ले रहे हैं। निशांत सिंह मलखानी ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि एक ऐसा समय है जब लोगों को एक अभिनेता की प्रतिभा और टैलेंट को देख कर सम्मान देना चाहिए, ना कि उनके पीछे कौन है और किसका हाथ है इसे देखकर। वहीं इससे पहले रूबीना दिलायक ने भी बॉलीवुड में उनके साथ हुए एक अभद्र व्यवहार के बारे में बताया था कि कैसे एक प्रोड्यूसर ने उनके साथ कितनी ओछी बात करने की कोशिश की थी। बिग बॉस की इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे।